Hey guys, welcome back to my channel Spoon with Fork. Hope you're doing really great. So आज हम बनाने जा रहे हैं restaurant style veg दम बिरयानी. ये काफी ज़्यादा tasty and flavorful बनेगी. चलिए फिर फटाफट से बनाना शुरू करते हैं. Let's get started. यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप बासमती राइस. इसे हमें 30 से 40 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख लेना है. अब एक बर्तन लेंगे, 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और डालेंगे इसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 डालेंगे इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज पत्ता, 1 चक्रफूल, 3 से 4 लौंग, 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे इसमें तेल और अब डाल देंगे जो चावल हमने भिगो के रखा था वो. नाउ जस्ट गिव इट अ गुड मिक्स और इसे हमें हाई फ्लेम पे पकाना है जब तक इसमें अच्छी तरह से उबाल ना आने लगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल में उबाल आ चुकी है. अब इसे हम लो फ्लेम पे पकाएंगे 10 मिनट के लिए. चावल यहाँ हमारे 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पक चुके हैं. अब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे हम एक अलग बर्तन में छान के निकाल लेंगे. सब्जियों में यहाँ मैंने 1 कप फूल गोभी लिया है जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और 1 कप लिया है गाजर जिसे मैंने इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है, 1/2 कप लिया है हरा मटर और 1 कप लिया है फ्रेश बीन्स. इसमें सब्जी आप अपने मन के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू. इसी के साथ मैंने लिया है 1/2 कप मशरूम जिसे मैंने अच्छी तरह से साफ करके बारीक पीसेस में कट कर लिया है और साथ ही साथ लिया है 1/2 कप पनीर जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है. ये दोनों ऑप्शनल है, इसके बिना भी आपकी बिरयानी काफी अच्छी टेस्टी बनेगी. अब जो भी सारी सब्जियां थी उसे हम बॉईल कर लेंगे और इसी में हम डालेंगे 3 से 4 पिंच हल्दी. सारी जो सब्जियां थी उसे हम 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से पका लेंगे. सब्जियां हमारी काफी अच्छी तरह से पक चुकी है. अब इन्हें हम अलग से बर्तन में छान के निकाल लेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल भी हमारा रेडी है और साथ ही साथ यहाँ सब्जियां भी हमारी काफी अच्छी तरह से पक के तैयार हो चुकी है. अब यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें ऐड किया है 3 टेबलस्पून घी और साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून बटर. बटर एक बार जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा गैस की फ्लेम हम कर देंगे लो और थोड़े से साबुत मसाले इसमें ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, 1 चक्रफूल, 2 छोटी इलायची, 1/2 दालचीनी का टुकड़ा. इसे हमें कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी तरह से भून लेना है जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे. अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट. इसे भी हम लो फ्लेम पे पका लेंगे 2 मिनट के लिए. अब इसमें ऐड कर देंगे हम 2 बारीक कटा हुआ प्याज. इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हमें इसे पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए. प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है. अब इसमें हम मिलाएंगे 2 बारीक कटा हुआ टमाटर. इसी में ऐड करेंगे हम 2 से 3 पिंच नमक ताकि टमाटर हमारे जल्दी से गल जाए. इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे हमें ढक के पकाना है जब तक टमाटर अच्छी तरह से गल ना जाए. यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर काफी अच्छी तरह से गल चुके हैं. अब इसमें हम मिला देंगे थोड़े से सूखे मसाले. टीस्पून ऐड करेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर,
1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे बिरयानी मसाला, 1 टीस्पून ऐड करेंगे हम आमचूर पाउडर और आधा कप इसमें मिलाएंगे हम दही। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे हमें लो फ्लेम पे पकाना है ढककर, जब तक मसालों से तेल अलग ना हो जाए। मसाले यहाँ हमारे काफी अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब जो सब्जियां हमने बॉईल करके रखी थी वो इसमें ऐड कर लेंगे और इसी के साथ इसमें हम पनीर और मशरूम भी ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हमें 2 मिनट के लिए पकाना है लो फ्लेम पर ढककर। अब हम मिला लेंगे नमक स्वाद अनुसार और इसी के साथ इसमें हम मिलाएंगे 1 मुट्ठी हरा धनिया और पुदीना। इसे एक बार और हमें अच्छी तरह से मिक्स करके 2 मिनट के लिए पकाना है लो फ्लेम पर ढककर। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो चावल हमने उबाल के रखा था वो। इसे अच्छी तरह से हम फैला लेंगे और इसमें हम एक बार और मिलाएंगे 1 मुट्ठी हरा धनिया और पुदीना का पत्ता बारीक कटा हुआ। इसे अब हम दम पे लगाएंगे। तो यहाँ मैंने अगेन यूज किया है फॉइल पेपर। इसे हम अब कवर कर लेंगे लिड से और इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है लो फ्लेम पर। आप देख सकते हैं हमारी वेज दम बिरयानी वो भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनके तैयार है और इसके दाने भी एकदम खिले खिले बने हैं। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे रायते के साथ। अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।